नारायण नारायण, सविता एस एस ब्लाउज डिजाइनर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको दिखाऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई करना। हर स्टेप को मैं पूरी दिखाऊंगी और बिल्कुल सही तरीके से दिखाऊंगी, कहाँ से कितनी कटिंग करना है, कहाँ से कपड़े को कितना दबाना है। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह हमारा सामने वाला पार्ट है, ये देखिए। यहाँ से हम दो सूत कटिंग कर देंगे तिरछी शेप में। अब हम इसको मेन कपड़े पर रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें मैन कपड़े पर रखना है और नीचे से आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगा देना है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, दोनों पार्टों को हमने आमने सामने रखा है, आधे इंच दबाते हुए हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा दी है। अब हम पार्ट को इस तरीके से खोल कर रखेंगे और इस कपड़े को अस्तर के साइड दबाते हुए हम इसमें ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। अब हम ये देखिए, यहाँ से अस्तर और कपड़े के जोड़ के यहाँ से बिल्कुल बराबर कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और गले के यहाँ से दबाते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट के गले के यहाँ सिलाई लगा कर हमने चिपका लिया है। अब यहाँ से भी हम सिलाई लगा कर इसको चारों साइड से चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दोनों पार्ट को इसी तरीके से हमने सिलाई लगा कर चिपका लिया है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमने कटिंग कर दी है दोनों पार्ट की। अब हम इसमें आई पट्टी बनाएंगे। आई पट्टी बनाने के लिए हमने जो बैक वाले गले की कटिंग होती है उसको लिया है। ये देखिए, उसको हमने एक बार फोल्ड कर लिया है। फिर हमने मेन कपड़े के साथ इसको एक बार और फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें किनार से एक सिलाई और लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे। अब पट्टी को हम नीचे रखेंगे और मेन कपड़े को, जो हमारा ब्लाउज का पार्ट है, उसको हम ऊपर रखेंगे और आधे इंच से भी कम दबाते हुए हम इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। अब अस्तर की साइड इस कपड़े को दबाते हुए हमें इस पे से एक सिलाई और लगाना है। ऊपर से नीचे से हम पट्टी को फोल्ड कर कर इसमें सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पट्टी है। अब पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड कर कर रखना है। ये देखिए, नीचे से हम इसमें पहले पक्का करेंगे और फिर यहाँ पर हमें एक आई बना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें आई बनाना है मशीन से। आप चाहे तो धागे से भी बना सकते हैं। आपको जितनी भी आई बनानी है, जितनी दूरी से, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और चाहे तो आप चौक से निशान भी लगा लें जितनी दूरी पे आपको आई बनाना है। मैं इसमें 6 आई बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम एक ऊपर आई, गले के हम बिल्कुल कोने पर आई बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने आई बना ली है। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हम हुक पट्टी बनाएंगे। हुक पट्टी बनाने के लिए हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसके गले की कटिंग ली है, उसको बीच में से हमने कट कर लिया है, सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब हम पट्टी को नीचे रखेंगे और हमारे ब्लाउज का जो पार्ट है उसको हम ऊपर रख के आधे इंच से भी कम दबाते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम पट्टी के साइड इस कपड़े को, जो सिलाई वाला कपड़ा, उसको दबाते हुए हम इस पर से एक सिलाई और लगा देंगे। अब हम पट्टी को, ये देखिए, इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है। फिर हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। ब्लाउज को हमें बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना है, बस पट्टी को ही हमें फोल्ड करना है। नीचे से भी हम पट्टी को अंदर की साइड दबाते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। इस पर हम, ये देखिए, एक सिलाई और लगाएंगे थोड़ी दूर से, एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमारी हुक और हाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें साइड वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। इसके लिए हमने देखिए, नीचे से आधा इंच दबाते हुए तिरछा निशान लगाया है और इसी निशान से हमने इसकी तिरछी कटिंग कर दी है आधे इंच। अब हम इसको मैन कपड़े पर रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैन कपड़े पर रखकर हमने इसमें आधा इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने बिल्कुल आमने सामने रखी है इनको। इस तरीके से हमें अब इस अस्तर वाली साइड, हमें इस कपड़े को दबाते हुए हमें इसमें एक सिलाई और ऊपर से लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से लगाना है। अब हम यहाँ से, ये देखिए, ये दोनों को, अस्तर और कपड़े का जोड़ने, वहाँ से हम कपड़े को बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे और प्रॉपर शेप में सीधा कर कर जमा लेंगे।
अब यहाँ से हम सिलाई लगाकर इसको चिपका लेंगे अस्तर और कपड़े को दोनों साइड से। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को सिलाई लगाकर चिपका लिया और एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर देंगे। दोनों पार्ट की एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर दी है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों पार्टों को जो प्रिंसेस कट की शेप में हमने कटिंग किया था, हम इसको वापस वैसे ही आधे इंच दबाते हुए हमें जॉइंट करना है। ये देखिए पहले हमने इनको जॉइंट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से हम आर्मोज के यहाँ से इसलिए एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। ये देखिए एक पार्ट हमारा सिलाई लगाने के बाद छोटा हो गया और एक बढ़ जाता है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए नीचे से हम 1.5 इंच अंदर की साइड एक निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड हम 5 इंच पर लगाएंगे लंबाई में। अब हमें क्या करना है, हम मेन पॉइंट का निशान लगाएंगे। ये देखिए हम इसे ब्लाउज से नाप सकते हैं इस तरीके से, इसमें हमारा 5 इंच पर आ रहा है निशान, तो हम 5 इंच पर ही लगाएंगे। आप चाहें तो बॉडी से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। इस तरीके से हमने लंबाई में 5 इंच पर लगाया है और ये तिरछी सल बना ली है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ऊपर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसी निशान से सीधी सिलाई लगाएंगे, निशान से यहाँ तक सिलने के बाद ये देखिए हम 2 इंच तक बिल्कुल 1.5 इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से हम हल्की गोलाई देते हुए 1/4 इंच पर मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने शेप में निशान लगा लिया है, ये देखिए यहाँ पर हमने 1/4 इंच दबाया है और ये देखिए कितना बढ़िया पप बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर हम सीधा कर देंगे और यहाँ पर हमें ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। एक सिलाई में थोड़ी दूर से लगाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से। फिर एक सिलाई बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके किनार पर से ही हमें सिलाई लगाना है, ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना है, अब हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आई पट्टी को छोड़कर मैंने इंची टेप को रखा है और चौड़ाई में 5.5 इंच पर निशान लगाया है। ये देखिए जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं तब निशान लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम निशान लगाकर कटिंग करनी है। ये देखिए आर्मोल्स लंबाई हमने 5.5 इंच रखी है। अब यहाँ से हम 1 इंच पर आर्मोल्स की गोलाई देंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने आर्मोल्स की गोलाई दे दी है। अब हमें इसकी कटिंग कर देना है। इस तरीके से मैं जो आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर कर सिलाई करना बता रही हूँ, इस तरीके से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज को बनाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी फिटिंग आती है और इसकी सिलाई भी बहुत आसानी से हो जाती है। अब मैं आपको दूसरे पार्ट की भी सिलाई करना बता देती हूँ। इसमें हम जो 1/4 इंच बार निशान है उसे थोड़े से नीचे लगाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स छूट जाते हैं, फिर आपका ब्लाउज उतना अच्छा नहीं बन पाता है। ये देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है पहले। अब हमें क्या करना है, नीचे से यहाँ 1.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे हम इसमें भी और लंबाई में 5 इंच पर, और ये देखिए हम ये तिरछी सल बना लेंगे। अब ऊपर हमें क्या करना है, ये देखिए ऊपर हम जो हमारा एक पार्ट जो कम है इसमें हम वहाँ पर से निशान लगाएंगे 1/4 इंच का। ये देखिए इतने नीचे से निशान लगाना हमें, ऊपर से नहीं लगाना है। देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच दबाते हुए 5 इंच तक जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सीधा दबाएंगे, फिर यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए 1/4 इंच पर मिला देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर कर सीधा कर देंगे और कितना बढ़िया पफ बन गया है। अब हम यहाँ पर भी ऊपर से सिलाई लगा देंगे जो हमने उस वाले पार्ट में लगाई थी। ये देखिए दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके आर्मोल्स की भी कटिंग करेंगे। ये देखिए हम दोनों पार्टों को इस तरीके से बीच में से सिलाई मिलाकर पिन लगाकर सेट कर देंगे और आई पट्टी को हमने छोड़ा है। ये देखिए दोनों पार्टों को इस तरीके से मिला है, आई पट्टी को छोड़कर रखा है हमने, यहाँ से गले के यहाँ से भी बिल्कुल और नीचे से भी बिल्कुल, चारों साइड से हम बिल्कुल बराबर मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसकी हम कटिंग
कटिंग कर देंगे आर्म होल्स के। आप चाहे तो निशान लगाकर भी कटिंग कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाले पार्ट की थी, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, इसमें हमने फ्रंट पार्ट में मार्जिन 3.5 इंच बढ़ाया था, तो ये देखिए अब 2 ही इंच बचा है, इसलिए मैं प्रिंसेस कट में 3.5 इंच मार्जिन रखती हूँ आगे के पार्ट में। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। ये देखिए, बैक पार्ट को भी हम नीचे से 1/2 इंच तिरछी कटिंग करेंगे, और इस तरीके से हम इसकी मेन कपड़े पर रख लेंगे। ये देखिए, पूरा चारों साइड से बराबर मिलाकर और नीचे से 1/2 इंच दबाते हुए हम इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम पार्ट को इस तरीके से खोल कर रखेंगे, और अस्तर की साइड इस कपड़े को दबाते हुए हम इसमें एक सिलाई और लगा देंगे ऊपर से। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, अस्तर और कपड़े को बिल्कुल जॉइंट को बराबर पकड़ेंगे, और इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे, और बिल्कुल प्रॉपर शेप में जमा कर गले के यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अस्तर और कपड़े को दोनों को बराबर प्रॉपर शेप में कर कर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर से, उसकी हमें कटिंग कर देना है। इस साइड भी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए, दोनों पार्टों के शोल्डर को हम बराबर मिलाकर, ये देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच दबाते हुए पहले हम इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम इसमें गले की साइड से 1 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इस साइड 1/2 इंच पर निशान लगा के एक तिरछा निशान बना लेंगे, और इसी निशान से हम इसकी तिरछी सिलाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने दोनों पार्ट की सिलाई कर दिया और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए, हम इसमें गोल्डन कपड़े से पाइपिंग लगा रहे हैं। पाइपिंग को हमने और भी शेप में कटिंग कर ली है, और चौड़ाई हमने इसकी 1/2 इंच ली है। ये देखिए, इस तरीके से अब हम पाइपिंग को लगाना है। पाइपिंग को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसमें पूरे में सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं फोल्ड कर कर, और पट्टी को हम इस तरीके से थोड़ी सी बाहर निकाल कर और नीचे की साइड फोल्ड कर कर रखेंगे। 1/2 इंच से भी कम दबाते हुए हमें पट्टी को और ब्लाउज को बराबर पकड़ेंगे, बिल्कुल कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं करना है, और 1/2 इंच से भी कम दबाते हुए हम इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ से हम पट्टी को थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। अभी देखिए, हमें पाइपिंग बनाना है। इसमें पट्टी को हम इस तरीके से सीधी कर लेंगे, और फिर नीचे की साइड इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर कर हमें पाइपिंग बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरे गले में पाइपिंग को बना देना है। पहले हम अंगूठे की सहायता से सिलाई वाली पट्टी को सीधा करेंगे, और उंगली की सहायता से हम इसकी पाइपिंग बनाते जाएंगे। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इसमें मैं पफ वाली स्लीव्स और लूम्स बनाना भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं इसमें पूरा ब्लाउज सिलना दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, कितनी प्यारी पाइपिंग लग गई है ब्लाउज में। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम सीधा कर देंगे बिल्कुल एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर कर यहाँ पर से भी। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कपड़ा कम था वहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। इस वाले पार्ट में भी जॉइंट लगा लेंगे। दोनों पार्ट में हमने जॉइंट लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, इस तरीके से हम बिल्कुल खोल कर रखेंगे कपड़ों को, और दोनों स्लीव्स को हम बिल्कुल आमने सामने रखेंगे। जो सिलाई है वो हमने एक साइड कर ली है। अब ये देखिए, यहाँ से नीचे से भी बिल्कुल हम बराबर
मिला लेंगे और इसको जो पहले से हमारी शेप में कटिंग थी एक साइड से, उसी शेप में हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा कपड़े की। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें आगे के पार्ट के लिए आधा इंच हम इसमें गहराई देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें आधा इंच गहराई देना है। जो हमारा कट लगा था बस वहीं तक हमें गहराई देना है। ये देखिए बस यहाँ तक, इससे आगे हमें गहराई नहीं देना है। अब हम मैन कपड़े को तैयार करेंगे। मैन कपड़ा भी जो हमारा कम था इसमें भी हम पहले जॉइंट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें भी जॉइंट लगा लिया है। दोनों पट्टियों में, दोनों स्लीव्स में हम जॉइंट लगा लेंगे इस तरीके से। जॉइंट लगाने के बाद ये देखिए स्लीव्स को हमें इस तरीके से खोल कर रखना है और इस पर हम एक सिलाई और लगा देंगे। इसी तरीके से हमने दोनों साइड स्लीव्स में कपड़े को जॉइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पर स्लीव्स को रखेंगे। स्लीव्स को रखकर नीचे से आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगाना है इस तरीके से। ये देखिए जो गहराई वाला पार्ट है वो उस साइड है, तो इस साइड का पार्ट भी है इस साइड होना चाहिए। ये देखिए ये वाला गहराई का पार्ट इस साइड है, नहीं तो ये एक ही साइड की बन जाती, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा। अब हम जो कपड़ा है ये इसको अस्तर के साइड दबाते हुए हमें इसमें एक सिलाई और ऊपर से लगा देना है। इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव्स में सिलाई लगा ली। अब ये देखिए यहाँ से जॉइंट, यहाँ से हम बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे और बिल्कुल प्रॉपर शेप में जमा लेंगे कपड़े को इस तरीके से, और ऊपर से हम इसमें सिलाई लगाकर अस्तर और कपड़े को दोनों को हम चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स में हमने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर से उसकी हमें कटिंग कर देना है। दोनों स्लीव्स की हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें सेल बनाएंगे। ये देखिए जहाँ से हमारा हमने जो कट्स लगाए थे वहीं से हमको सेल बनाना चालू करना है। इसमें हम बिल्कुल छोटे छोटे सेल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सेल बनाना है। ये हमारा स्लिप्स का बीच का सेंटर है। ये देखिए यहाँ तक हमको सेल बनाना है। इसमें 7 सेल बन गए हैं। ये देखिए इन सेलों को हमने इस साइड फोल्ड किया है। अब जो इस साइड वाले सेल हैं उसको हम उस साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इस साइड भी हमने 7 सेल ही बनाना है। बिल्कुल बराबर दोनों साइड बराबर सेल बनाएंगे हम, और छोटे छोटे सेल बनाना है हमको। ये देखिए इस तरीके से हमने सेल बना लिए। इसको इस साइड फोल्ड किया और इसको इस साइड फोल्ड कर हमने दोनों स्लीव्स में सेल बना लिए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में जॉइंट करेंगे। ये देखिए जो हमारा गहराई वाला साइड है उसको हम आगे रखेंगे और बीचा बीच ये सेंटर है इसको हम बीचा बीच जॉइंट पर रखेंगे शोल्डर के, और इस तरीके से मिलाकर हम आधा इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगाना है स्लीव्स को, और ब्लाउज को हम बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे, बराबर दबाते हुए हमें सिलाई लगाना है, और जो सेल है उनको बिल्कुल बराबर प्रॉपर शेप में करते जाना है। सीधी जिस साइड हमने फोल्ड की थी उसी साइड हमें सीधे करते हुए पूरी स्लीव्स को इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए स्लीव्स को हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें एक सिलाई और लगा देंगे ऊपर से। अब हर स्टेप को पूरा फॉलो करते हैं तो आपका ब्लाउज एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। वीडियो को पूरा देखेंगे आप तो आपकी हर चीज़ परफेक्ट बनेगी, कहीं से भी कुछ छूटेगा नहीं। दोनों स्लीव्स को हमने इस तरीके से लगा लिया है। अब हम पीछे वाले पार्ट में सेल डालेंगे। ये देखिए यहाँ से 4 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम एक कट बना लेंगे। तो दोनों
साइड ये निशान बन जाएगा। अब यहाँ से हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर कर रखेंगे निशान के यहाँ से, और नीचे से 1/4 इंच दबाती हुई लंबाई में 5.5 इंच लंबी सल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हमें दोनों साइड सल बना लेंगे। दोनों साइड सल हमने बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर ये किनारा, यहाँ पर हम गोटा पत्ती वाली लेस लगा देंगे स्लीव्स में। ये देखिए गोटा पत्ती वाली लेस हमने लगा दी है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई 5.25 इंच आ रही थी, हमने दो निशान लगाए, 1.75 इंच पर एक थोड़ी दूर से। अब यहाँ पर चेस्ट पर भी हमने दो निशान लगाए हैं, दो 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 इंच हमें फिटिंग करनी है। यहाँ पर भी हमें आपकी कमर का साइज जितना है आप उस हिसाब से निशान लगा लें, और हमें दो निशान लगाएंगे, दो सिलाई लगाएंगे, एक मेन फिटिंग पर और एक थोड़ी सी दूर से। ये देखिए इस तरीके से स्लीव्स के, यहाँ से पफ वाले स्लीव से हमें थोड़ी गहराई में फिटिंग देनी है। ये देखिए इस तरीके से स्लीव्स के, यहाँ से हमने थोड़ी गहराई में फिटिंग दी है। पफ वाली स्लीव्स है तो हम गहराई में फिटिंग देंगे। इसी तरीके से हमने फिटिंग कर ली है ब्लाउज में। अब हम लूम्स बनाएंगे। लूम्स बनाने के लिए हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, ये देखिए, और इसकी गोल शेप में हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत सारे कपड़े की गोल शेप में कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम इसे बीच में से कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हमने मैन कपड़े की भी कटिंग कर ली है। अब हमें दोनों कपड़ों को इस तरीके से रखेंगे, और नीचे से गोल शेप में जिस शेप में हमने कटिंग की है उसी शेप में हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हमने पूरे कपड़े में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटकर सीधा करेंगे जो सिलाई अंदर चली जाएगी। अब हम इसमें गोटा पत्ती वाली लेस लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें किनार में गोटा पत्ती वाली लेस लगाना है। इस तरीके से हमें जितने भी लूम्स बनाना है उसमें हम इसी तरीके से इसको पलटकर सीधा करेंगे और गोटा पत्ती वाली लेस लगा देंगे। इसी तरीके से हमने पूरे में लेस लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से डोरी में रखकर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई करना है हमें, बीचे बीच डोरी को रखना है, और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे, ये देखिए। अब हम दूसरी वाली उसको भी लूम्स को लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमें इतना गैप रखना है और इस तरीके से हमें इसमें सिलाई करना है। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हम लूम्स डोरी को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो, आपको ज़्यादा लूम्स लगाना है तो आप ज़्यादा लूम्स भी बनाकर इसमें लगा सकते हैं। अब इस डोरी को हम ब्लाउज में अटैच कर देंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन दबाएं, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नारायण नारायण।